जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ हृदय इमरान और आपको खुशामदीद कहती हूँ के टू शहर में। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे, और एक ख़ास बात मैं कहती हूँ, क्या पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू शहर। और पिछले कल से, मतलब पिछले दो दिनों से, आज दूसरा दिन है मेरा आपके साथ। हम आपके लिए बड़े स्पेशल प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आगाज़ ही करते हैं पाकिस्तान के सब सिलाई परचम के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 13 अगस्त है और कल हम मनाएंगे यौम आज़ादी। पूरा पाकिस्तान सब जलाली परचमों से सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने चेंजेस किए अपने सेट पे भी, मेरे बैकग्राउंड में भी आपको बहुत ही खूबसूरत परचम नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला इसको सरबुलंद रखे, इसे ऊंचा रखे, हमें इस काबिल बनाए कि अपने मुल्क के लिए हम काम कर सकें। और उस तरफ आपको बानी पाकिस्तान की तस्वीर नज़र आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रंगों के ज़रिए, बातों के ज़रिए अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकें। और प्रैक्टिकली ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो वादे किए हैं उनको निभाएं। क्योंकि कल हम एक ऐसी गपशप लगा रहे थे तो एक ट्रेंड चला हुआ है जी, जो कि थोड़ी सी मायूसी का इजहार लोग करते, खासतौर पर नौजवान नस्ल, मुल्क के हवाले से। तो देखिए, मुसलमान कभी मायूस हो नहीं सकता। हमारा ये अकीदा है कि हमें मायूस नहीं होना, बिकॉज अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसका सहारा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें वो तनहा छोड़ दे। तो जहाँ बात मुल्क की है, तो ये मुल्क एक धरती है, धरती माँ, एक यानी कि एक इतने खूबसूरत रिश्ते से इसको जोड़ा गया है। क्योंकि माँ चाहे ज़यीफ ही क्यों ना हो जाए, बीमार ही क्यों ना हो जाए, अपने बिगड़े बच्चों को भी संभाल लेती है, दोनों हाथों से उन्हें गले लगाती है, दस्ते शफकत फेरती है। तो ये हमारी धरती जो है ना, ये हमारी माँ है। कुछ भी हो जाए, हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम कहीं भी चले जाएँ, बल्कि किसी भी कोने में चले जाएँ, हमारी शनाख्त जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ही रहेगी। हम पाकिस्तानी हैं और हमें इस पर फ़ख्र है। और एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान कि जिसमें दुनिया जहान की नेमतें मौजूद हैं। तो कसूर मुल्क का नहीं, रहने वालों का है कि हमने इन ख़जानों की कदर नहीं की। इसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा नहीं है। और यकीन करिए, ये बात मैं दिल से कह रही हूँ। आपने ऐसे देखा होगा कि दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में रेफ्यूजीज़ हैं, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, जिनका कोई मुल्क नहीं है, जिनका कोई एड्रेस नहीं है, कोई पता नहीं है। तो इस हकीकत को समझना पड़ेगा कि हमारी शनाख्त है, हमारा मुल्क है, और इसकी शनाख्त हमें क्या बनानी है, ये हमारे हाथ में है। मुल्क तो हमें मिल गया, इसको संभालना है। लेकिन शायद जो चीज़ हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, एक तश्तरी में रख के कोई दे देता है, तो शायद हम उसकी इतनी कदर नहीं करते हैं। तो ज़रूर सोचिएगा इस हवाले से। और आपने कॉल करके बताना है 0514102357 पे कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या आपने क्या किरदार अदा किया इस मुल्क की तरक्की के लिए। अब ये सवाल नहीं करना, काफ़ी वक्त गुजर चुके, 77 ईयर्स गुजर चुके हैं कि हमें मुल्क ने क्या दिया। अब तो हमारा बनता है कि हम बताएं कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या सोचा है। 0514102357 आज स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि आज 13 अगस्त है और आज की रात बड़ा तकरीबन 77 ईयर्स पहले, 77 साल पहले, यस, ये हुआ था कि आधी रात को एक बड़ा ख़ास अनाउंसमेंट हुई थी। और उस वक्त ना टेलीविज़न था और इंटरनेट तो खैर था ही नहीं, तो रेडियो पाकिस्तान वो वाहिद मीडियम था कि जिसके ज़रिए अनाउंस हुआ था, एक बड़ा ख़ास ऐलान किया गया था कि जब पाकिस्तान का वजूद तस्लीम किया गया और रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए उसको ऐलान करके बताया गया कि जी एक नया वतन जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुका है। इसी हवाले से आपके लिए हमने छोटा सा पैकेज बनाया। सोचे कि हम चले गए हैं 70-75 साल पहले, और उस वक्त पाकिस्तान आज़ाद होने वाला है। रेडियो पाकिस्तान तो खैर था नहीं, रेडियो के इर्द गिर्द सब लोग बैठे हुए हैं, एक्साइटमेंट है, कुछ खौफ है, कुछ बेयकीनी है, कुछ उम्मीदें हैं। उस फील में आइए और ये पैकेज देखिए। ले जी, बहुत मुबारक हो आपको ये महीना, कल का दिन। और हम आपको बताते चलें कि क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया गया है, स्पेशल मॉर्निंग शो है, तो मुइज़ जो कि नॉर्मली मंडे को आपसे मिलते हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। बड़े हसीन लग रहे हैं जी, बड़े प्यारे कपड़े मैचिंग हमने पहने हुए आज, वो ग्रीन कलर आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? आज़ादी एडवांस मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, इस मौके पे आपने एक तोहफा दिया पूरी कौम को, अपने फैंस को, इतना प्यारा सॉन्ग रिलीज किया आपने। थैंक यू सो मच। ये समझ लें कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से प्यार का इजहार है। बिल्कुल। और आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस, और ख्याल कैसे आया? ख्याल कैसे, ऑब्वियसली
बचपन से ही ख्वाहिश है कि अपने जो मदर लैंड है उसको बंदा ट्रिब्यूट दे, कुछ कर सके अपने वतन के लिए। तो बस तभी का ख्याल था और अभी जाके पूरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं सोच रही थी ना कल की बैठी कितने प्यारे प्यारे गाने होते थे, नैयर नूर साहिबा गाती थी और इसके अलावा आलमगीर मोहम्मद अली शेख की, 90s 80s की मैं बात कर रही हूँ। तो वो शिकायत जो थी ना कि वैसे सॉन्ग बन नहीं रहे हैं, वो मुइज़ ने दूर कर दिया। इतना प्यारा गाना मुइज़ नगमा जो है वो बनाया है, और वो एनर्जी लेवल जो है ना यूट्यूब पे जाके हम देख सकते हैं आपका सॉन्ग। एग्जैक्टली मेरे ऑफिशियल चैनल पे मौजूद है, मुइज़ अब्बास एमए नाम से। हाँ मुइज़ अब्बास एमए नहीं भूलना, एमए नहीं भूलना, एमए नहीं भूलना भाई, एमए नहीं भूलना, एमए लाजमी है। तो देखिए कुछ इजहार का तरीका होता है मोहब्बत का, इनको म्यूजिक का शौक गाने के जरिए कर लिया। मेरी एक दोस्त है बड़ी अच्छी बेकिंग करती है, तो वो ग्रीन केक्स बना रही है, बड़े मजे के केक्स बन रहे हैं, कप केक्स हैं। और ये करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए मोहब्बत का। हम लोग नफरत के इजहार में, मायूसी के इजहार में बड़ी पहल कर देते हैं, फौरन करते हैं, लेकिन मोहब्बत का इजहार करने में जरा झिझकते हैं कि पता नहीं क्या रिएक्शन आए, चाहे वतन से मोहब्बत हो, माँ बाप से हो, बहन भाइयों से हो, लाइफ पार्टनर से हो, दोस्त से हो। हालांकि करना चाहिए, बिकॉज जिंदगी इतनी मुख्तसर सी हो, इतनी अनप्रडिक्टेबल है। तो आज अपने कॉल करनी है 0514102357 पे, और जनाब जी अच्छा सा गाना सुना दें पाकिस्तान के, मिली नगमा होना चाहिए, कोई अच्छी सी बात कर लें, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें, गिले शिकवे करने छोड़ दें। ये जो है ना सलामत है तो हम सलामत हैं। बाकी ये कि मिली नगमों की फरमाइश भी आपसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते है ना? जैसे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन से, अनप्लग्ड एक दो लाइन अगर हो जाए तो। अच्छा शो का आगाज़ है तो मैं गुड मॉर्निंग के साथ साथ एक ऐसी चीज़ से आगाज़ करूँगा जिससे हमारा ट्रिब्यूट मदरलैंड को भी हो जाएगा और अल्लाह को भी, अल्लाह ताला को भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये वैसे आप मेरे साथ जुट के मारेंगे तो मजा आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हो इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अला हो अला हो अला हो अला। इतने बड़े जीवन सागर में साहिलों के बीच भंवर में जीने का इम्कान दिया, तूने पाकिस्तान दिया, हो अला हो अला। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, हो गवाह रहना, गवाह रहना। क्या बात है जी, क्या बात है, बिल्कुल जी, गवाह रहना कि इस वतन के हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और जैसे माँ अपनी गोद में छुपा लेती है, ये वतन बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि मदर लैंड का जिक्र किया मुइज़ ने भी। तो हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बड़े मज़ा से पैकेजेस भी हैं, और इसके अलावा हमारे मेहमान जो है वो पहुँच चुके हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड कुछ शख्सियात हैं जिनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद होगी। लेकिन उससे पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केटू शहर, कैसे हैं आप? खैरियत से? एडवांस जश्न आजादी मुबारक। मुबारक हो। पहले तो आप लोगों को 6/10 सॉरी माजरत के साथ आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई थी, कुछ शायद नेटवर्क का मसला है या सिग्नल का कोई इशू होगा, लेकिन दोबारा कॉल कीजिए 0514102357 से, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कीजिए। कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए आज, कोई मायूसी की बात आपने नहीं करनी है, और बताने किस तरह से आप सेलिब्रेट करें। मुझे याद है कि बचपन में हमारी जो गली मोहल्ले को सजाया जाता था हरे रंग की झंडियों के साथ कागज़ से, बल्कि मेरी कोशिश ये होती थी कि बल्कि अम्मी अबू इनकरेज करते थे कि हम उसको अपने हाथ से वो गोंद के जरिए चिपका के, मतलब पार्टिसिपेशन हमारी हो और हम पूरी पूरी लड़ियाँ जो है वो तैयार करें। हाँ खुल के बोलें, आटे के साथ, आटे नहीं बना के जब गोंद खत्म हो जाता था तो ऐसे ही करते थे। और ये यादें जो है ना बड़ी खूबसूरत यादें हैं। अच्छा नैयर नूर के गाने, मैडम नूर जहाँ के गाने,
अलन फकीर का जैसे उन्होंने भी गाना सुनाया, मोहम्मद अली शेख की, जुनेद जमशेद वक्त के साथ साथ फिर बैंड्स आना शुरू हो गए और फिर दिल दिल पाकिस्तान आया और छा गया। दो लाइन दिल दिल पाकिस्तान की होनी चाहिए तो आप मेरे साथ। हाँ, सबका दिल दिल पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, भड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 दिल दिल। तो हम बात ये कर रहे थे कि अच्छी यादों को होना बहुत जरूरी है। Exactly. आप 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं कल, क्या सोचा है? कलर्स तो बड़े अच्छे पहन लिए। दुपट्टा किसका लेकर आए हो? दुपट्टा, ये सवाल प्रश्न आपको पता है जिसका पड़ा होता है मैं तो उठा के ले आता हूं। तो वैसे जो चीज मैच करती है वो, लेकिन बड़ा प्यारा कलर है। हाँ, nice. कलर ही हमारे झंडे का ऐसा है माशाल्लाह। और बाकी देखिये, यहाँ से 2-3 साल पहले जब बैन नहीं था तो बाजे जिंदाबाद थे, लेकिन अब बैन है तो हम अल्लाह को बिल्कुल अवॉइड करें। शुक्र है बाजे बाजे बैन हो गए हैं। शुक्र है, शुक्र है, बिल्कुल। बाकी ये कि नगमे गा के, उसके अलावा मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ कुछ भी पुराना या कुछ भी ट्रिब्यूट पेश कर देता हूँ अपने पुराने आर्टिस्ट को, जैसे ये दिल दिल पाकिस्तान या कुछ ऐसा लगा के अपने फैंस के लिए और अपने सोशल मीडिया की कम्युनिटी के लिए मैं स्पेशली बनाता हूँ। ठीक है जनाब जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन प्यारी सी बहन हमारी बात कर रही है? मैं रोजीना हफीज बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। रुबीना कैसी हो, खैरियत से? रुबीना नहीं, रोजीना। रोजीना, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जनाब क्या हाल चाल है? आप सबको मेरी तरफ से जश्न आजादी मुबारक, पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक, आपको भी नदीम अशरफ की कामयाबी मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, डबल खुशी होगी ना इस दफा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इन हालात में ऐसी खुशी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत इसके थोड़ा रिलीफ मिल गया हमें, खुशखबरी की जरूरत थी। जी जी बिल्कुल, अच्छा, ऐसा ही है। बिल्कुल। और आपके पेरेंट्स ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया उनका याद रखने का। देखा था? जी 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 जी, अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स जिनके हैं उनको सलामत रखे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। ओहो, अच्छा, अल्लाह पाक जिनके हैं उनको सलामत रखे और आबाद रखे। आमीन आमीन। आपके सब प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं जी, आपके सब प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया रोजीना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा है सागर खान, उसकी तरफ से भी आप सबको जश्न आजादी मुबारक। नादिर को आप सागर को, हाँ सागर, 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 बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उसके लिए, बहुत सी दुआएं, बहुत सारा प्यार। और जिनके वालदैन सलामत नहीं थे, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे और आप लोगों को वसीला बनाए उनके लिए जजाए खैर इकट्ठा करने का। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो कल की क्या तैयारी की हुई है रोजीना? को मजेदार खाने बनेंगे, कुछ ग्रीन कलर पहनना है, झंडा जरा लहराया जाएगा? जी ऐसे ही बस, वो शागिल बाजे का बहुत शोर मचाता है तो अभी वो सो रहा है, उठेगा तो मैं उसकी शामक लेकर आऊंगी। तो उसने वो व्हाइट शर्ट पे चांद सितारा बनवाया। अच्छा, एक नया ट्रेंड बच्चों में आया कि फेस पेंटिंग करवाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं। ऐसा ही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का रोजीना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा, घर की रौनक ना बच्चों से होती है, और चाहे ईद का मौका हो, चाहे हम जश्न आजादी मना रहे हों, बच्चे जो है ना वो मतलब फेस पेंटिंग हो जाए, अच्छा लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं और चूड़ियां पहनती हैं, मतलब इजहार का तरीका जो है ना बड़े मजेदार होता है आजकल के बच्चों के लिए, खास तौर पे बड़े पटाखे exactly, बच्चे आजकल के आ रहे हैं ना, हम तो बड़े सादे हुआ करते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सादे। अच्छा, बात अगर बच्चों की हो रही है तो आपके लिए पैकेज हमने तैयार किया है बच्चों के हवाले से कि 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं, आइए देखते हैं। को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नशे में उभरा। क्या आजम ने फरमाया, ईमान इत्तेआद तंजीम।
हमेशा कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 23 ईयर से हमने पाकिस्तान को क्या दिया? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अगर हम अल्लाह की इन नेमतों के शुक्र गुजार नहीं होंगे तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारा मुल्क पाकिस्तान यानी पाक सरजमीन, हम अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारियों को समझे बगैर हकीकी मानों में मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। पाकिस्तान मानूल मानूल माल जन्नत। कितने प्यारे और प्योर जज्बात इन बच्चों के हैं कि अब वक्त है कि हम बताएं कि हमने मुल्क के लिए क्या किया और हमारा मुल्क हमारी जन्नत। बड़े खूबसूरत पैकेज आपने देखा और बच्चों को आपने ये भी चीज़ सिखानी है कि जब आप झंडे आज लहरा झंडियाँ भी लगाएंगे, झंडे भी लहराएंगे, तो मगरिब के वक्त आपने उसको कल 14 अगस्त मनाने के बाद बड़ी तमीज़ और एहतराम के साथ झंडे को लपेट के आपने रख देना है ताकि अगले साल फिर काम आए। और जो झंडियाँ जो कागज़ से बनाई जाती हैं ना, वो जगह जगह लगी होती हैं, तो जब वो शाम तक अगर खुदा ना खास्ता बारिश होगी, अल्लाह के रहमत की बारिश हो, तो वो जगह जगह झंडियाँ पड़ी हो, तो वो ऐसा ना कीजिएगा कि इसका एहतराम करना हम पे लाजिम है। कहीं अगर आप देखें कि गिरी हुई हैं झंडियाँ तो उन्हें आप उठा लें। फिर रात में चिरागा होगा, जगह जगह फायर वर्क भी हो रहे हैं। हाँ, वो तो आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज से स्टार्ट 12 बजे से हो जाएगा। अच्छा, ये जो लड़के मोटरबाइक के साइलेंसर निकाल के आजादी मना रहे होते हैं, किस बात की आजादी होती है? देखिए, वो इसी चीज की आजादी मना रहे हैं कि हम आजाद तरीके से मोटरसाइकिल का साइलेंसर उतार सकते हैं। तो ये भी तो एक आजादी है। तो दूसरा पॉइंट ये कि हर बंदा अपने तरीके से इजहार करता है। अब उनका इजहार का तरीका ये है, मेरे ख्याल से तो उनको एक प्रॉपरली ग्राउंड दे देना चाहिए जहाँ पे उनकी प्रॉपरली परेड हो। हाँ, यहाँ घूमे फिरे और हम लोग उनको आके देख लें। हाँ, उनके लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो टैलेंटेड तो हैं ऑब्वियसली, बस थोड़ा सा गलत जगह पे टैलेंटेड। हाँ, है। अगर उनको सही जगह पे रखा जाए तो होप सो ये हम सबके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, एक जगह को अलॉट, वैसे मुझे पता ऐसी खुशी ना मनाए जिससे जो है ना वो लोग तंग हो, डिस्टर्ब हो, तेज म्यूजिक लगाया जाता है, तो जरूर सेलिब्रेट करें। अच्छा, आज रात को जगह F9 पार्क में मेरे ख्याल इस्लामाबाद में आतिशबाजी हो रही है, पिंडी में भी जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, तो ज़रूर देखने के लिए जाइएगा आप। लेकिन ख्याल रखते हैं कि फैमिलीज होंगी साथ ना, तो बच्चे भी होंगे, खवातीन बुजुर्ग भी होंगे, तो उनका एहतराम भी हमने करना है। एक सिविलाइज्ड, अब इतना अरसा हो गया, ये बेसिक चीज़ें हमें अब आनी चाहिए कि किस तरह से हमने हजूम नहीं बनना, माशरा बन के चलना है। 0514102357 हमारा नंबर है। तो बहुत ही अमेजिंग से मेहमान हमारे जो है वो आ चुके हैं। एक जो है उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर भी काम किया है, और इसके अलावा ताल्लुक उनका पाकिस्तान से है, वालदा का ताल्लुक वो हार्ट से है, वालिद जो है वो इंडिया से हैं, है वो पाकिस्तानी नेशनल और यूके में बेस्ड हैं, लेकिन अभी रिसेंटली आपने उनको बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म में लीडिंग किरदार में देखा था। कैसा उन्होंने काम किया, मुख्तलिफ ब्यूटी पेजेंट से पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो कर चुकी हैं, और जब मैं उनसे मिली तो वो इतनी वो हम्बल और ग्राउंडेड वो लड़की है कि इतना काम करने के बावजूद भी उसने गर्दन में सरिया नहीं आया। ये अच्छी बात है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर नवाजते हैं। आपका ब्रॉटअप जो है वो पता चलता है कि किस फैमिली में हुआ, कैसा हुआ है। और ये उनकी वतन से मोहब्बत है कि उन्होंने बहुत ही प्यारा सा सफ़ेद और हरे रंग का जोड़ा पहना हुआ है, वेरी सिंपल, बहुत प्यारी लग रही है, और जहाँ जाती है अपनी रिवायात, अपनी सकाफत, अपने मुल्क को वो नहीं भूलती। ये हमारे वो सफ़ीर हैं जो मुल्क से बाहर जाके इंटरनेशनली हमारे वतन को मुतारिफ कराते हैं और फिर उस इमेज को बनाते हैं जिसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है, तो उसे भी आपको मिलाएंगे। और दूसरे गेस्ट जो हैं वो इस तरह से मेरा उनसे ताल्लुक है क्योंकि उनका ताल्लुक भी रेडियो से रहा है और है अभी भी है, क्योंकि मैंने भी काम किया। ये आवाज़ का जादू जगाते हैं, कितना अरसा हो गया किस तरह से ये आवाज़ से मंजरकशी करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भी बताएंगे। नाम मैं आपको भी नहीं बता रही, मेहमान हमारे पहुँच चुके हैं। और क्या ब्रेक ले ली सर जी? ठीक है जी। मुझे आपकी जो वीडियो है जी, जी किससे डायरेक्ट की, कॉन्सेप्ट क्या है उसका? उसका कॉन्सेप्ट ये है, देखें वो बेसिकली लिपसिंग वीडियो है, इसमें कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, क्योंकि नेशनल सॉन्ग में मेरी कोशिश ये थी कि स्टोरी बोर्ड ना रखें, हम डायरेक्टली लिरिक्स पे फोकस रखें और लिरिक्स प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करें, क्योंकि लिरिक्स मैंने खुद लिखे थे, खुद लिखे हैं। मेरी कोशिश यही थी कि लिरिक्स जो प्रॉपरली जस्टिफाई हो जाएं, एक एक जो उसकी वर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से जो अंतरे हैं उसके वो जस्टिफाई हो सके। ठीक है, हमने इसको बिल्कुल सिंपल रख के जस्ट लिपसिंग पे रखा।
ठीक। और जिसको जिसने इसको डायरेक्ट किया उनका नाम था विक्रम, जिन्होंने इसको एडिट किया उनका नाम था बिलावल। ठीक है, तो कितने टीम मेंबर्स हैं आपके इसमें? तकरीबन 5-6 बंदे थे। 5-6 बंदे। और कितना टाइम लगा इसको डायरेक्ट बनाने में? बनाने में हफ्ता, तो हफ्ता लग गया। हफ्ते से ज्यादा। तो पहले लिरिक्स लिखते हैं फिर वीडियो सोचते हो? पहले सबसे पहले बेसिक चीज होती है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन हो या लिरिक्स हो, इन दोनों में से जो सी चीज पहले आ जाए वो आपको बेहतर लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी स्ट्रक्चर बनने के बाद जब एक रफ आपके पास सॉन्ग तैयार हो जाता है, फिर आप उसको लेके जाते हैं स्टूडियो में, वहाँ जाके उस पर दोबारा एक रफ स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हम लोग म्यूजिक उसका प्रॉपर तरीके से जो है वो डिसाइड करते हैं, और साथ एक स्केल डिसाइड करते हैं, और उसके साथ जो जो बीट्स जो जो इंस्ट्रूमेंट प्ले होने हैं उनको डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद फाइनल वोकल होते हैं जो हमने फाइनल रखने होते हैं, फिर फाइनल वोकल को हम उस म्यूजिक के साथ एडजस्ट करते हैं, तो उसमें 1.5-2 दिन लग जाता है। फिर मिक्स एंड मास्टर्स को कहते हैं। मास्टर जब आपकी फाइल हो जाती है या मास्टर से पहले रफ पे भी आप वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, सही, बिल्कुल लंबा प्रोसेस है। फिर वीडियो बन जाए, वीडियो बनने के बाद वीडियो की एडिटिंग और उसके अलावा अपने मुताबिक जो सीन्स होते हैं आप उसको कर सकते हैं। अब आप देख ले कितनी मेहनत की है और ये मेहनत कहाँ तक कामयाब हुई है, उसके लिए मुइज़ का जो लेटेस्ट सॉन्ग है वो देखना बहुत ज़रूरी है, आई लव यू पाकिस्तान। आइए देखते हैं। जी वेलकम बैक टू के टू सहर, और सहर का वाकई एहसास हो रहा है क्योंकि मेहमान हमारे पहुँच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी आज की बहुत ही खास मेहमान, सारे मेहमान खास होते हैं, रहमतें बरकतें लेके आते हैं, गपशप लगाने का मज़ा आता है। बरकत इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि गपशप लगाने का मौका मिलता है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, अच्छा वक्त गुजर जाए, तो अच्छा वक्त गुजरना भी किसी रहमत किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो मेरे जो पहले मेहमान हैं उनका ताल्लुक केटू से भी रहा है और अभी भी मुंसलिक गाए बगाए हो जाते हैं, एंकर हैं और इसके अलावा आरजे भी हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे और केटू से कैसे वाबस्ता हुए और आजकल क्या कर रहे हैं ये बताएंगे आपको खुर्रम बेग। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम बैक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? पहले आप एज ए होस्ट आते रहे यहाँ पे, आज मेहमान बने हुए कैसा लग रहा है? एक अलग सी वाइब आ रही है इस सीट पे बैठ के, लेकिन अच्छा लग रहा है। एबटाबाद से आपने शुरू की थी? जी, एबटाबाद से शुरू किया था, ये 2016 में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक ठीक। 2016 से लेके फिर मैंने 2019 तक किया है, फिर उसके बाद फिर मैं एक और कैपेसिटी में एंगेज हो गया था, फिर उसके बाद फिर आया वापस 2021 में। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो 23 में फिर मैंने बैक ऑफ कर लिया, फिर एक जगह पे आने जाने क्यों लगा रखा है, बस कहीं और किसी और कैपेसिटी में एंगेजमेंट होती रही। अच्छा, थी, तो इस वजह से जो है वो रहा, लेकिन K2 के साथ जो रिश्ता है वो बरकरार रहा, आज तक है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आज भी जो है वो जैसे अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, जब भी K2 के साथ आते हैं ऐसा लगता है जैसे घर है अपना, आप सब ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। चलो जी वेलकम बैक, अब मिलाऊंगी आपको हमारी दूसरी मेहमान से जिन्होंने रिसेंटली काम तो बहुत किया, मतलब ब्यूटी पेजेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया और बड़े इनामात जीते हैं, वो भी आप तफसील बताएंगे। इसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म में काम किया जो कि रिकॉर्ड तोड़ इनका इनकी फिल्म गई, बहुत सा काम कर रही है पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के शहर कोहाट से इनकी वालदा का ताल्लुक है और अक्रॉस द बॉर्डर से इनके वालिद साहब का ताल्लुक है, प्राउड पाकिस्तानी है, यूके में रहती हैं और आजकल आई हुई हैं। आई तो थी छुट्टियां गुजारने के लिए लेकिन काम साथ साथ चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को विजिट कर रही हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी खास इनकी ग्रिप है। तो ये हमारे वो सफ़ीर हैं, हमारे वो एम्बेसडर्स हैं जो पूरी दुनिया में अपने अपने काम के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और जो मेहनत ये कर रहे हैं उसके ज़रिए पाकिस्तान का इमेज बना रहे हैं। आपको बुलाना चाहूँगी, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि एक इंसान जिसने इतना काम किया हो लेकिन वो इतना हम्बल हो और अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हो, वो बताएंगी हमें आज की इस आज के इस एपिसोड में K2 सहर में। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मौजूद हैं शफीना शाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वाओ व्हाट अ इंट्रोडक्शन। वेल अभी भी थोड़ा रह गया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा लग रहा, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और इतनी प्यारा प्यारा सफेद और हरे रंग का जोड़ा पहना हुआ है। यूके से मैं पाकिस्तान से G9 शॉपिंग किया। G9 कराची कंपनी? या कराची का लुक लड़कियां बाहर निकले और शॉपिंग ना करें ऐसा हो नहीं सकता, चाहे आपने यूके से करनी चाहे आपने कराची कंपनी से करनी। मेरे पास अच्छा एक्सक्यूज था ना इंडिपेंडेंस डे के लिए शॉपिंग करने के लिए। वेरी प्रिटी, थैंक यू। अच्छा लगा। अच्छा क्या हाल चाल है, इतना काम कर लिया है और लाइक यू वेंट टू बॉलीवुड, इसके अलावा इंटरनेशनल पेजेंट्स में आपने हिस्सा लिया है, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, तो स्टार्ट कैसे हुआ?
बहुत लंबी कहानी है लेकिन छोटा कहानी है ऐसी है. मैं बहुत शाय थी जब मैं छोटी थी. मेरे नानी उन्होंने कहा ड्रामा क्लासेस शुरू करो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बड़े हो जाएंगे ना. वहाँ से मैंने शुरू किया डांसिंग, प्रेजेंटिंग भी किया मैंने, थोड़ा सा एंकरिंग यूके में, एंड वहाँ से मॉडलिंग भी शुरू किया जब मैं 12 साल थी एक्चुअली. अच्छा. हाँ, फैशन शो मैंने वहाँ किया. लेकिन उससे पहले मेरे पापा वो एक्टर था, मेरी अम्मी एक्ट्रेस भी काम कर रही थी यूके में, तो वहाँ से उन्होंने कोशिश किया टू push me. So it's in the blood. I guess so. Alhamdulillah. And अच्छी बात है मैंने शुरू की क्योंकि अभी मेरे पापा फोर्थ गए जब मैं छोटी थी ना. लेकिन जब मैं काम करती हूँ यूके में तो आई मीट पीपल दैट न्यू माई फादर. अच्छा. वो कह रहे थे ओह आप राज पटेल की बेटी हूँ माशाल्लाह, यू नो लाइक, तो मैं अच्छी फील करती हूँ ना. पापा का नाम? उसका नाम था इस्माइल मोहम्मद राज पटेल, लेकिन स्टेज नाम था राज पटेल. लेकिन आप उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रही हैं इंशाल्लाह, है ना? तो इज इट अ बिग रिस्पांसिबिलिटी कि पापा के नाम को आगे लेके चलना है, उनका उनके जैसा काम करने की कोशिश करना है? एक्चुअली आई जस्ट थिंक मुझे एक दिन जब मैं दोबारा उनको मिलेंगे इंशाल्लाह ना, तो आई वांट हिम टू बी प्राउड ऑफ मी. I think he is proud of you. Inshallah. Because his spiritual connections माँ बाप के होते कभी खत्म नहीं होते, उनके जाने के बाद भी रहते हैं. You do feel connected sometimes. Because ऐसा होता होगा. हाँ, मैं feel करती हूँ that मैं आधा मेरे पापा हूँ ना. हाँ. क्योंकि जब मैं लोगों को मिलते हैं ना, they tell me, oh आप आपका पापा भी ऐसे, आपका personality ऐसे, तो मैं खुश feel करती हूँ that हाँ वो बहुत अच्छा था लोगों के साथ. बिल्कुल सही. yeah. बिल्कुल सही जी. बहुत सादी सी सिंपल सी हमारी जो मेहमान है, बड़ी मजे मजे की दिल की बातें कर रही हैं. जो बात दिल से निकलती है ना वो नजर आ जाता है ना कि कोई बनावट नहीं है, कोई फेक इसमें नहीं है. अच्छा मुझे ये बताइए खुरम, आपके साथ जो मतलब क्या सपोर्ट रही फैमिली की? बिकॉज आपने स्विच भी चैनल्स भी किए, काम भी स्विच करते रहे, तो फिर से सपोर्ट मिलती रही आपको? बिल्कुल सपोर्ट मिलती रही हमेशा से. मेरे फादर और मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. लेकिन मेरी एक बड़ी जबरदस्त सी कहानी है कि मैं मेरी जबान में लुकनत थी जब मैं छोटा. अच्छा, था बच्चा था. अच्छा, जी, जी. तो मैं बोल नहीं पाता था तो अक्सर तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा. हाँ ये बड़ी एक जबरदस्त कहानी है. इसके ऊपर बड़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, मुझे इवन चैनल्स भी बुलाते थे, पूछते थे सवाले से कि मैं बहुत हकला था, बहुत ज्यादा. मैं बात भी नहीं कर पाता था. करके बोलता था. He used to stammer a lot. तो मेरी फैमिली जो है वो फैमिली में भी जो कजन्स थे बाकी लोग मुझे बड़ा छेड़ते थे, मोहल्ले के लोग बड़ा छेड़ते थे. इवन जब मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी में भी मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए जब खड़ा होता तो सामने तो मेरे क्लास फेलोज मुझ पे हंसा करते थे. लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से एकदम से मौजजा हुआ कि मैं एकदम से बिल्कुल ही मेरी जबान से लुकनत खत्म हो गई, इतना फ्लुएंट हो गया कि फिर मैं रेडियो स्टार्ट किया, रेडियो से टेलीविजन, और फिर उसके बाद बहुत सारा काम किया. तो अल्लाह ताला ने वो सारी जो चीज थी वो जो मेरी कमजोरी थी वो अल्लाह ने मेरी ताकत बना दी. बिल्कुल बिल्कुल. व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जब सोचा था तो अल्लाह ताला जरूर गुमान अच्छे के तो अल्लाह ताला रहनुमाई जरूर करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल फील नहीं हो रहा. तो क्या वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? वो मेरे एक टीचर थे जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ इस वजह से. मैं जब बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरे लफ्ज रुक जाते हैं, मैं बोल नहीं पाता. पढ़ता बहुत हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ, उर्दू बहुत अच्छी है, लिख बहुत अच्छा लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता. तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तुम्हारा कोई बायोलॉजिकल या कोई मेडिकल कोई इशू नहीं है. अच्छा. ये तुम्हारा तुम्हारे दिल के अंदर एक खौफ है. जब तुम सोचते हो कि मैं रुक जाऊंगा, साइकोलॉजिकल होता है. अच्छा, साइकोलॉजिकल था. कि जब तुम सोचते हो कि मैं रुक जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो तुम वहीं पर स्टक हो जाते हो. तो एक दफा अपने जहन से ये बात निकाल के बोलो कि मैं नहीं रुकूंगा. सही, सही, सही. तो वो अचानक से बस वो मुझे की मिल गई कि वाकई में जब मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं रुकूंगा तो फिर मैं वाकई नहीं रुकता. वो लग रहा है मुझे रुकने वाले नहीं है आप. Once an anchor, always an anchor. अजय शफीना, tell us about your breaking point in the life. आपने जैसे एनिमल मूवी में काम किया है तो वो आपका टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का, या उससे पहले भी कुछ चांस मिला? एक्चुअली मैंने एक एडवर्ट किया शाहरुख खान के साथ, लेकिन By the way, कौन सा? वो जो चक 89, एक बैंकवेटिंग हॉल, वेडिंग हॉल. अच्छा, शादी यूके यूके के लिए था. यूके के लिए. अच्छा, सही सही सही. तो लेकिन उस वक्त मैं मेरे आदत नहीं है था, ओह लुक एट मी, मैं ऐसी कुछ करती हूँ, यू नो. यू नॉट एन अटेंशन सीकर. बहुत अजीब है मेरे लिए. जब मैं काम करती हूँ सोशल मीडिया पर, हे गाइस व्हाट्सअप, ये मेरी मेरे लिए इज आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एक्चुअली. लेकिन जॉब की वजह से करना चाहिए ना. तो बेसिकली तो उस टाइम मैंने वो एडमिट किया शाहरुख खान के साथ, दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम. ठीक. उसके बाद आई डिडंट डू एनीथिंग. लेकिन ये एनिमल मूवी ना, दिस वॉज द ब्रेक आई थिंक. ये टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स था, एंड 10 दिन में इट वेंट टू ओवर 100,000. तो मैं ओवरवेल्म फील करती थी उस वक्त. मैं जानती नहीं थी क्या हो रहा है अभी. मैं समझ नहीं आई उस वक्त. ठीक ठीक ठीक. लाइक काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते और सारे आर्टिकल्स किसी को
मेरे बारे में बताए, लेकिन किसी को मेरे साथ इंटरव्यू भी नहीं की उस वक्त. उन्होंने कहा वो वेजिटेरियन. बहुत कम मैंने आपको देखा वैसे मीडिया पर भी. इंडिया में अभी आई और पाकिस्तान में भी वो सारे इंटरव्यूज. पर यहाँ केटू पे आते जाती रहना आप. हाँ मैं मैं ऐसे फील करती हूँ ना, क्योंकि उन्होंने कहा ये घर जैसा जब हम आते हैं ना. हाँ मैं घर पहुंच घर पहुंच गई तो मैं ऐसे भी फील करती हूँ. अच्छा पाकिस्तान में कहाँ का विजिट किया आपने अभी? हाँ तो रिसेंटली मैं मैं पाकिस्तान आई ना, वापस चले गई. मेरी सहेली उनका शादी था, वापस आ गए 6 दिन के बाद, क्योंकि मैं हुंजा जाना चाहती हूँ. हुंजा? तो मैंने हुंजा चले गए. लाइक किसी को मुझे बताया अक्टूबर में हुंजा जाओ, समर बेहतर मौसम, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा मौसम होता है. तो इसलिए मैं यहाँ यूके से आई हूँ टू गो टू हुंजा. हुंजा के लिए? हाँ. तो मैंने वहाँ गई लास्ट वीक. बहुत प्यारा था. यू नो लाइक लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड जाओ डरा, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान सबसे खूबसूरत मुल्क है माशाल्लाह. तो आई वेंट टू नॉल्टा वैली एंड एक्चुअली हाँ दिस इज़ द प्रॉब्लम. वो जो ब्रिज था ना नॉल्टा वैली, जो हैंगिंग ब्रिज, वो सस्पेंशन ब्रिज हाँ मैंने किया, हुसैनी ब्रिज वो मैंने क्रॉस किया. अच्छा अच्छा. एंड एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, मैंने स्काई डाइव किया चैरिटी के लिए एक हॉस्पिटल. स्काई डाइव भी किया? ऐसे तक खुल के सामने आ रही है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. सॉरी सॉरी, वी हैव टू कैच अप नाउ. ठीक ठीक ठीक. तो जून 1st मैंने दुबई गई. आई डिड अ स्काई डाइव फॉर क्लेफ्ट हॉस्पिटल गुजरात पाकिस्तान, और चैरिटी के लिए था. अच्छा. मैं एम्बेसडर भी हूँ पाकिस्तान में, गुजरात में. गुजरात पाकिस्तान. अच्छा जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह. वहाँ किया. तो मैंने सोची थी ये हुसैनी ब्रिज कुछ नहीं है, मैं स्काई डाइव कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं. जब मैं पहुंच गया उस ब्रिज पर, मैं नीचे देखी थी ना, और वो पानी ऐसे जाते ना, एंड मैं ऐसे फील करती थी. तो मैं सोचती थी अरे मैं क्या करूँ, सब लोग देख रहे हैं. मैंने कहा मैं करूंगी. तो मैं सोची नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ. आई वाज फीलिंग सिक. किसी को मुझे बताया रास्ते पर, उन्होंने कहा नीचे मत देखो. तो आई वाज लाइक लेकिन मैं स्टेप्स कैसे कैसे रखूंगी. हाँ हाँ हाँ. यू नो. तो एनीवे तो मैंने सोचा नहीं शकीना, ये माइंडसेट चीज़ है. आपने कहा ना, तो माइंडसेट में काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ माइंडसेट के बारे में. जो आप सोचते हैं वो सही है, बिल्कुल सही. तो जब आप बोल नहीं सकते हाँ वो सही है, जब आप कहेंगे हाँ मैं बोल सकती हूँ तो सही है. तो मैं सोच रही थी नहीं शकीना आप खुद कर सकते, क्रॉस करने हैं, ब्रिज करने हैं. तो ईच स्टेप जो मैंने स्टेप किया ना, मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रास्ते पर. और वापस जब मैं वापस आई ना, बहुत तेज आए थे. तेज आई. आई वाज लाइक सो कूल. आई वाज लाइक अब तो काम मैंने कर लिया. तो आई वाज लाइक यस वेरी गुड. अच्छा शफीना मुख्तलिफ चैरिटीज के लिए भी काम करती रहती है, सोशल वर्क करती रहती हैं, और ये बड़ी बात है. जितनी भी सेलिब्रिटीज हो जाए, कोई नाम बन जाए, तो वो पे बैक करें माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करें. ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जेस्चर है. अभी रिसेंटली जैसा कि उन्होंने बताया कि दुबई में उन्होंने पाकिस्तान गुजरात में एक अस्पताल है जो कि लेफ्ट हॉस्पिटल. अच्छा ओके. उसके लिए उन्होंने स्काई डाइविंग किया, उन्होंने किया टू रेज मनी. तो क्या फ़ायदा पर हुआ इससे? हाँ अच्छा था एक्चुअली. जब मेरे पास शायद मेरे पास मौका है, टाइम है टू गो टू गुजरात टू द हॉस्पिटल, तो मैं दोबारा वापस विजिट करूँगी, क्योंकि मैं एम्बेसडर हूँ उनके साथ. तो मैंने गई अक्टूबर में, फरवरी में. तो इंशाल्लाह इफ आई हैव टाइम आई विल गो. ज़रूर ज़रूर जी. अभी जल्दी वापस नहीं जाना मुझे पता है. अब पाकिस्तान आ गए हो घूमने फिरने के लिए, अभी लाहौर जाना, पेशावर के चपली कबाब खाना. बहुत अच्छा चपली कबाब, सब गुड है ना. एक्चुअली मैंने सिर्फ वन वे टिकट बुक किया है, तो वापसी का बिल्कुल सही. मेरे मामू ने कल मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा आप वापस आएंगे ना. Like with a happy, with a laughing face, you know, wo jo emoji. I was like, haan, Allah knows best. I mean, इंतजार करी यूके में, लेकिन अभी से वापस नहीं जाना है. अच्छा मुइज खामोश बैठा है, बहुत बुरा लग रहा है. तो कोई सॉन्ग होना चाहिए हमारे मेहमानों के लिए. हाँ, क्या सुनने शकीना, क्या सोचा, क्या कुछ फरमाइश है पाकिस्तानी गाने की कुछ चीजें? अभी मैं सोच रही थी एनिमल के बारे में. उसको छोड़ दो ना, इंसानों की तरफ आ जाओ. तो पाकिस्तानी सॉन्ग, पाकिस्तानी सॉन्ग विद द एंथम. Any patriotic song, Dil Dil Pakistan, you can request Muiz. हाँ, Dil Dil Pakistan is good, लेकिन मैं गाना नहीं कर सकती. हमें याद पड़ता है जब हम बच्चे थे तो बड़ा अच्छा लगता था इस परचम के साए तले हम एक हैं. हाँ, और अक्सर स्टेज पे जाके हम झंडियां हिलाया करते थे. Exactly. तो वो अगर सुना दे मुझे तो अच्छा लगेगा. ठीक है, आप मेरे साथ गाएंगे? कौन सा गाना गा रहे हैं? इस परचम के साए तले हम एक हैं. ठीक और है, साथ साथ हम मैं स्टार्ट करूंगा मेरा पैगाम पाकिस्तान से. ठीक है, और साथ बीच में ये भी ऐड कर हम मेरा पैगाम पाकिस्तान के साथ ये भी ऐड करेंगे, मैशअप बना. ठीक हो गया, ठीक हो गया.
पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है कई नस्लों की कुर्बानी कई नस्लों की मेहनत है असासा है दलेरों का शहीदों की अमानत है तआवुन ही तआवुन है मोहब्बत ही मोहब्बत है जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा ये खिता इनकलाबी है नई दुनिया बनाएगा अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा निदा कायद की है निदा कायद की है इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं सांझी अपनी खुशियाँ हो सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं हम एक हैं जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान ओ पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान ओ पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान जबरदस्त क्या बात है क्या बात है बड़ी खूबसूरत यादें हमारे पास बिल्कुल 14 अगस्त के हवाले से खासकर जब हम रिलेट करते हैं ना अपनी स्कूल लाइफ के साथ तो बड़ा एक तैयारी होती थी फर्स्ट से लेके 14 तक और ड्रेसेस लेना बैजेस लेना और ये भी कंपटीशन होता था कि सबसे अच्छा बैच किसका होगा किसका होगा और कपड़े किस दिन कौन कौन से किस रंग मतलब क्या दुपट्टा पहनना है दुपट्टे भी ग्रीन और व्हाइट होने चाहिए चूड़ियां होनी चाहिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ एक्चुअली मेरे थोड़ा सा अलग है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान में हूँ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा पहली दफा अच्छा जबरदस्त क्या कल क्या सोचा है कल क्या करना है अभी मुझे मालूम नहीं है लेकिन किसी को मुझे बताया शोज भी है फायरवर्क्स भी हो रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट शोज भी होंगे तो इसके अलावा सेल लगी हुई है इफ यू वांट टू गो फॉर शॉपिंग थैंक यू सेल वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और अब अभी शफीना कहता है लाहौर जाने का भी है जी पहली दफा लाहौर जाओगी या पहले जा चुकी हो नहीं मैंने गई दो क्योंकि मैंने वो जो वहां मैंने क्राउन मिली है ना
अच्छा लाहौर में अच्छा ब्यूटी पेजेंट का बताएं ना जो हुआ था पेजेंट हुआ था तो एक्चुअली दिस इज लाइक अ लास्ट ईयर थिंग लेकिन तो जब मैं यहां ही थी फरवरी में मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करी थी जब मैं वापस चले गए इंग्लैंड तो मैं रो रही शुरू करी थी अम्मी कह रहे थे क्या हुआ आपको मैं कहते पाकिस्तान को मिस कर रही हो उसने कहा यह अजीब है क्योंकि आप यूके से आई हो अमेरिका भी रहते थे आप पाकिस्तान को मिस कर रहे हो ये कैसे हुआ आई डोंट नो एनीवे वहां से किसी को जो मैंने बताया इस पेजेंट के बारे में तो मैंने अप्लाई किया and I got through then Achha. I got the pageant wahan se I was competing in other other competitions international wala to represent Pakistan to January mein main Cambodia gayi ek competition tha Miss Global wahan maine jeet ke Miss Congeniality Pakistan ke liye zabardast yeah zabardast so, matlab ye hai sabse kindest best personality in this net so there were 67 countries I think you are the best person for this category alhamdulillah mere khayal se mashallah mashallah leji khuram jo hai ye anchor bhi hai तो आपने ब्रेक लेनी है अच्छी सी ब्रेक लेना अच्छा ये सामने ओके जी हमारे साथ रहिएगा शफीना है हमारे साथ बहुत मजेदार बातें कर रही हैं और इनकी जो लैंग्वेज है वो मुझे बहुत पसंद आ रही है और यकीनन सब आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे मिलते हैं आपको इन्हीं खट्टी मिट्टी बातों के साथ एक छोटे से ब्रेक के ये आशा ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा इसके इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का अर्ज़े पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का ये फिजा तुम्हारी है बैरोबर तुम्हारे हैं कहकशां के ये उजाले राह गुजर तुम्हारे हैं ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासवां इसके ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा इसके ये जमीन मुकद्दस है माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत देखना गवारा मत दौलते यकीन लोगों ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों ये
वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खास के। अब ये जो वर्स है ये मेरा स्पेशली जो यंग जनरेशन आने वाली है उनको डेडिकेट होगा। ये नसीहत है। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे इन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। क्या बात, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गूज बम्स ना। और क्या शायरी, क्या लिरिक्स, क्या बात है, क्या बात है। और वही बात कि इस परचम को सरबुलंद रखना अब हमारा काम है, मेरे बाद जो जनरेशन आएगी उसका काम है। एक चीज़ आपको अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग, एक नेमत दे दी है, और अब उसकी हिफाजत करना, उसकी कदर करना, उसके नाम को आगे बढ़ाना जो है हमारी नौजवान नस्ल का काम है। आप क्योंकि काजे, मैं उसके बाद शफीना की तरफ आऊँगी, जो जिन्होंने अभी इवेंट भी इनका आ रहा है और जो ट्रैवल कर रही है उसको उन्होंने किस तरह से कैप्चर किया वो शफीना बताएंगी। लेकिन उससे पहले खुरम, आप एक आजे हैं कि आप आवाज़ के ज़रिए आप मंजरकशी करते हैं अपनी, आप इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, वो कैसे इमेज बनता है, किस तरह से करते हैं? अच्छा, साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान के बिहेवियर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मीडियम है या कम्युनिकेशन का वे है वो वॉइस है। ठीक। वॉइस के थ्रू जो है वो आप किसी भी शख्स का जो माइंड है वो मोल्ड कर सकते हैं या किसी भी शख्स के दिमाग के अंदर उतर सकते हैं। जी, ठीक। और रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो कि आपका डायरेक्टली कनेक्शन होता है, मतलब अगर लेट्स सपोज मैं टीवी देख रहा हूँ तो टीवी में मेरी जो अटेंशन है वो शायद मेरी ड्रेसिंग के ऊपर जा रही है या शायद मेरी बैकड्रॉप के ऊपर जा रही है, लेकिन आवाज़ का ताल्लुक सिर्फ आपका आवाज़ के साथ होता है। ठीक। तो बहुत बड़ी एक ऑडियंस होती है मेरे प्रोग्राम के अंदर, और मेरा प्रोग्राम होता भी रात को है 12 से 2 तक, और शायरी वगैरह होती है, शायरी उसमें होती है, लोगों की कॉल्स होती हैं, तो लोग अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और लोग बताते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो वो उस लिहाज से फिर बात की जाती है। और उस लिहाज से जो मेरा तजुर्बा होता है या लोगों का तजुर्बा होता है उनसे मैं सीख रहा होता हूँ या मैं उनको सिखा रहा होता हूँ, कुछ जो मेरी बातें होती है मैं उनसे कर रहा होता हूँ, तो एक फैमिली कनेक्शन है वहाँ पे भी, एक बॉन्डिंग हो रही होती है और वो बॉन्डिंग डेवलप होती है, बड़ा बड़ा मजा आता है। रात को आपने पैकेज शुरू में देखा था जब पाकिस्तान बनने की अनाउंसमेंट, जी बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान के जरिए की गई। यस, और मैं, मेरा भी ताल्लुक जो है वो रेडियो पाकिस्तान से है, मैं रेडियो पाकिस्तान के एक चैनल है उसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं जब भी उस बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ तो मुझे एक वाइब आती है पाकिस्तान की, और आपको तमाम उस कॉरिडोर के अंदर वो चेहरे नजर आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से। अच्छा, जी, मैं 101 से कर रहा हूँ। तो मैंने अपने करियर का आगाज वहाँ से किया था। अच्छा, वेरी नाइस। तो बड़ी यादें वहाँ से सीखे हुए लोग, इन इदारों से सीखे हुए लोग, पता चल जाता है कि वहाँ से सीखे हुए हैं। अच्छा शफीना, कमिंग बैक टू योर पैशन फॉर ट्रैवलिंग, तो आपने इसकी मतलब व्लॉगिंग की है उसकी, इंस्टाग्राम के लिए आप उसको डॉक्यूमेंट कर रही है, क्या क्या सोचा हुआ है, क्या करना है उसका? तो मैंने वीडियोस बनाया ना, लेकिन हमारे पास इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, हमारे पास काफ़ी इंटरनेट नहीं था, आई होटल को स्टे नहीं किया मैंने, तो मैंने खुद फैमिली के घर स्टे किया। अच्छा। तो हमारे पास बिजली भी नहीं था। ओके। कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ना, हमारे पास कभी पानी भी नहीं था, और क्योंकि बिजली नहीं था ना तो गर्म पानी भी नहीं था, फिर और वो जो पानी आते हैं ना वो ग्लेशियर का पानी है, फ्रीजिंग फ्रीजिंग, इमेजिन आप नहाए करेंगे इस पानी में क्यों वजह
उन्होंने कहा कल कल नहाए करो ऐसे नहीं अभी करूंगी इस ठंडी पानी में कोई बात नहीं लेकिन आई कॉन्ट वेट टिल टुमारो एंड अच्छी बात है मैंने कल को वेट नहीं किया क्योंकि कल था पानी नहीं था अगले दिन हाँ तो इसलिए जो आप करना चाहिए आपकी जिंदगी में अभी करो अभी करो इसके बाद करो तो ये खासकर वो ठंडे पानी से अगर नहाना है तो अभी देर करो ये तो एक्चुअली हमने सो आई वाज टेलिंग यू हमने नल्टा वैली हाँ वहाँ गए दैट इज व्हेन द एडवेंचर बिगन क्योंकि रास्ते पर वो ब्रिज कलैप्स था ओके लेकिन उस ब्रिज से पहले देयर वाज सम कंस्ट्रक्शन तो उन्होंने हमारे पास रास्ता नहीं था टू गेट अदर साइड तो द बॉय द मैन जो भी था वहाँ उन्होंने स्टोन्स लगाए पानी पर सो द जीप कुड गो ओवर ओके लाइक लिटरली देयर वाज नो रोड ठीक है तो वहाँ हमने क्रॉस किया तो हम बहुत खुश थे लेकिन जब हाँ वी मेड इट लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए वो जो ब्रिज में था ना ब्रिज नहीं था बिल्कुल ख़त्म तो सिर्फ एक रिवर था ठीक है और वो फ्लो ऐसे हो जाते हैं ना ठीक है लेकिन वी हैव टू गेट टू द अदर साइड ओके पता है हमने क्या किया जूते निकाल दे फिर ट्राउजर्स ऐसे किया एंड हमने क्रॉस किया वो पानी बहुत डेंजरस था आई डोंट रिकमेंड दरिया क्रॉस किया ये बता रही हैं कि ब्रिज था वो टूट गया था मैं ऐसे बोल के दिखाऊं जैसे हाँ, नहीं कोई बात नहीं जो पुल था वो टूट गया था नलतल वैली जा रही थी तो उन्होंने पहले तो उन्होंने क्रॉस किए बड़े बड़े पत्थर रखे उसके ऊपर उन्होंने पता नहीं कैसे कर लिया क्रॉस मैं तो बड़ा खौफ आता है पानी के वहां इतना शोर इतना होता है ठंडा पानी और फिर उन्होंने क्रॉस किया एक और ब्रिज को एक दरिया को नंगे पाँव जूते उतारे सामान उन्होंने उठाया और क्रॉस कर लिया ये कहने को बड़े हल्की छोटी सी बात हुई अच्छा दरिया क्रॉस करके जिस पे गुजरती है उसे पता चला होगा तो उन्होंने सारा वीडियो पे कवर किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे मौजूद है ऑल द वीडियोस अभी तक मैंने थोड़ा सा तस्वीर मैंने पोस्ट किया वो जो ऐसे था बिल्कुल ठीक था लेकिन वो जो पीछे वाला स्टोरी है ना अभी तक मैंने पोस्ट नहीं किया लेकिन करूंगी इंशाल्लाह बिहाइंड द सीन भी होना चाहिए हां बिहाइंड द सीन्स तो एनीवे एक्चुअली हमने डिसाइड भी नहीं किया उस वक्त हम उन्होंने कहा हम कैंपिंग करेंगे हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त सिर्फ एक ही कपड़े था यू नो लाइक इट वाज जस्ट लास्ट मिनट plan.com अच्छा तो वी हैड वन पेयर ऑफ क्लोथ्स हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं था लेकिन उन्होंने क्विकली दे गॉट वन हमारे पास दो आई गेस लास्ट मिनट प्लान होते हैं वो बड़े मजे के होते हैं हां बिल्कुल प्री प्लान्ड होते ही नहीं है कभी वी हैड लाइक फोर स्लीपिंग बैग चार स्लीपिंग बैग्स था ना दो टेंट्स लेकिन ऑब्वियसली हमने रिवर क्रॉस करना चाहिए ना तो वहां से एक टेंट घूम गई घूमोगे तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैकपैक जो मेरे बैकपैक में था ना सारे फोन्स एवरीथिंग पैसे वो बच गया नहीं वो ठीक है अभी वो बैकपैक उतरे बैकपैक वो सलामत रही हमने लकी बैग यू नो देयर वाज सो मच टू टेल लेकिन वी हैव अ पैकेज फॉर यू हां जो आपने ट्रैवल इन्होंने ट्रैवल किया है और ये पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करना चाह रही है अभी वापस यूके नहीं जाना जो बातें ये करी है ना उसको थोड़ा सा हमने समअप करके एक पैकेज बनाया है ये पहले वो देखते हैं yes. सब कितना गुडी गुडी लग रहा है लेकिन पीछे क्या कुछ नहीं हुआ है मैं पोस्ट करूंगी मेरे इंस्टाग्राम पर shafinashah_official वॉच आउट फॉर द इंस्टाग्राम शफीना शाह के नाम से है उस पे जाके आप उनकी सारी वीडियोस देख सकते हैं और अगर मिलना हो तो इवेंट हैपनिंग इन ऑन 17th ऑफ दिस मंथ 17th इस्लामाबाद एक इवेंट है ठीक है सोल म्यूजिक ट्रांस ऐसी चीजें गुड वाइब तो आई थॉट मैं मीट एंड ग्रीट करूंगी सही है एंड वहां तो वी कैन हम सेल्फीज ले सकते हैं और मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी करूंगी परफॉर्मेंस करेंगे हां डांस वाला अच्छा तो डांसिंग आपने सीखा है हां एक्चुअली मैं आई स्टार्टेड डांसिंग a long time ago shock hai meri actually theek naturally theek theek main aise feel karti hu to main gana nahi ga sakta abhi lekin aaj gaane ka debut ho jayega aaj Khurram aur Shafina dono ne gana gana hai he's going to guide you guide karega nahi if I can sing you guys can sing exactly. agar main ga sakti hu main ha mindset cheez to hai lekin main practice karna practice ki zarurat nahi hai dil se gaaye bas dil se तो बहुत शौक है लेकिन गाने का मैं समझता हूँ कि गाना जो है वो सुर से गाया जाता है अच्छी आवाज से नहीं गाया जाता तो मैं बहुत सुर हूँ मैं बगैर सुर के भी गा के दिखाऊंगी आपको देखना गा सकते हैं अकेली जब मैं ड्राइव करती ना हाँ उस वक्त गाए चलिए भी एक सुरीला सा होना चाहिए इमेजिन करो यू आर ड्राइविंग अलोन कैमराज नहीं है कोई भी नहीं है और आप गाना गा रही हो तो कौन सा गाना गाओगी पहले भी मैं तुमसे मिला यही सुनाए फिर मजा आएगा आई कांट
मैं आपका साथ दूंगा, हम सारे आपको साथ देंगे, दो लाइनें। चलो ठीक ठीक है ठीक है। He's going to sing and we can you can follow. I'll move. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम ऐसे लगा, पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं बरसे फिर से बरसे या भीगे सरा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये क्या बात है, क्या बात है। प्रोड्यूसर साहब टाइम कितना रहे, लिरिक्स मुझे याद नहीं थे लेकिन टाइम कम रह गया है, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, विच मींस कि हमारा वक्त बहुत अच्छे से गुजरा और बहुत अच्छा लगा आपके आप दोनों आए, बहुत शुक्रिया, दोबारा भी आप आए और विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द सक्सेस। इसी तरह से आप मुल्क का नाम भी रोशन करती रहो, अपनी फैमिली का नाम रोशन करती रहो, पापा का नाम रोशन करती रहो। मैसेजेस फ्रॉम आरजे पाकिस्तान के हवाले से, अच्छी सी बात। मैं ये कहूँगा जी कि इस वक्त बहुत लोग डिसहार्टेड हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से या जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा जी कि उम्मीद रखें और हमने ही आगे बढ़ना है और हमने इसको तब्दील करना है और हम कोशिश करें कि इसको बेहतर कर सकें और अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर से कोई नहीं आएगा। वेरी राइट वेरी राइट। खुर्रम बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच फॉर और आपकी आवाज़ का जादू इसी जगह फैला रहे, थैंक यू जी। आप लोगों को मोटिवेट करते रहे, अच्छे अच्छे शेयर सुनाते रहे। 12 से 2 12 से 2 मैं सुनूंगी बिल्कुल, मेरा नाम नहीं गाना चलाना है जरूर, डन हो गया। शिमिना व्हाट डू यू हैव टू से, एनी मैसेज फॉर योर फैंस, फॉर द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं लाइक पाकिस्तान सबसे खूबसूरत मुल्क है और विजिट पाकिस्तान, शेयर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान जहां जाते हो यू नो इस दुनिया में, एंड एक्चुअली वी शुड बी काइंड टू एवरीबॉडी, क्योंकि हम खुद नहीं जानते ना किसके पर्सनल लाइफ में क्या होता है और जो भी है, तो किसी को जज मत करो, किसी को जज मत करो प्लीज, ये काफी होता है मेरे जिंदगी में, दिल से निकली इसकी आवाज, जज मत करें। शफीना विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तानी फिल्मों में आप काम करो, ड्रामों में काम करो, आपकी जैसे टैलेंट की हमें बहुत ज़रूरत है और इसी तरह से पाकिस्तान की इमेज को आप थ्रू इंस्टाग्राम थ्रू सोशल मीडिया आप बेहतर करती रहें। यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड यू डूइंग सो मच सोशल वर्क जो आप कर रही हैं, जज़ाकअल्लाह और बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपकी अम्मी के लिए कि आप उनके लिए भी जो है वो खुशियाँ लेकर आएँ, हमें भी कोई अच्छी सी खबर सुनाओ, वो इसका रिश्ता भी ढूंढना था हमने। वो इंस्टाग्राम पे इनसे जो रब्ता करना चाहे वो कर सकते हैं, शी इज लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना बोल रही हूँ, सर जी वी हैव टू रैप अप नाउ, अमान साहब। हाँ जी, तो इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ, किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही कि उम्मीद है सुबह बहार रखना, ख्याल रखना, ये हमारा मुल्क है, इसका ख्याल हमने रखना है और हमने रखेंगे जैसे खुर्रम ने कहा, तो फिर कौन रखेगा, और इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कल जब आप मनाएंगे रात को 12 बजे से, आज रात 12 बजे से 14 अगस्त मनाएंगे, जो हमें आज़ादी मनाएंगे, बाजना बजाना, दरख्त लगाना और क्या, मोटरसाइकिल साइलेंसर के बगैर नहीं चलाना, ट्रैफिक का ख्याल रखना, ठीक है, वन व्हीलिंग नहीं करनी है, और दुआ में हम सबको आपने याद रखना है। इससे पहले कि आपसे इजाज़त चाहूँ, मुइज मिली नगमा आपको सुनाएंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले मेरा अपना ही सॉन्ग है आई लव यू पाकिस्तान, मैं आपकी बात से एक एग्री करते हुए बात एक छोटी सी बात करूंगा, ये नगमा ही है लेकिन इसकी लाइन इतनी प्यारी, मेरा दिल कह रहा है बताऊं कि दिया जलाए रखना है, घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, तो हमें इस मुल्क के लिए करना है और हमें दिया जलाना है। चले जी, ये मेरा सॉन्ग है और मेरे साथ आपने फुल एंजॉय करना है। Love you, love you, love you, love you, I love you Pakistan. Oh, love you, love you, love you, love you, I love you Pakistan. I love you Pakistan, I love you Pakistan. हमें जान से प्यारा ये मुल्क हमारा, बस इसकी हिफाजत रहे अजम हमारा, ता अब्द हचम के ये चांद सितारा,
कोई मैली आँख ना देखे इसको खुदारा। शहीदों के लहू से कायम है इसकी यान। लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू पाकिस्तान। ओ लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू पाकिस्तान। हमदम मेरे वतन तू, मेरी आन है तू, मेरी जान है तू, पहचान है मेरे वतन। शाद रहे आबाद रहे मेरा प्यारा पाकिस्तान। ओ लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान आई लव यू पाकिस्तान। ये मेरी ख्वाहिश ये ही मन्नत ये है जन्नत मेरा वतन। ये मेरी ख्वाहिश ये मेरी मन्नत ये है जन्नत मेरा वतन। ये सोनी धरती ये प्यारी धरती ये पाक जमीन मेरा वतन। सर सब्ज रहे ता अब्द रहे मेरा प्यारा पाकिस्तान। ओह लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान आई लव माय पाकिस्तान। जिंदाबाद।